ये गांधी समाधि जो है गांधीधाम में आदिपुर में है। तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनोज है और आप देखने लग चुके हैं गो टू एक्सट्रीम चैनल। और मैं इस समय गांधीधाम फ्लाईओवर पे हूँ और आपको गांधीधाम दिखाता हूँ। बस तो मैं आपको सबसे पहले गांधीधाम में जो चीज़ें हैं दिखाने लायक सिटी में वो चीज़ें दिखाता हूँ, जो चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं वो चीज़ें दिखाऊँगा। तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है गांधीधाम का रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आकर आप अलग अलग राज्यों में जा सकते हैं इंडिया के। और ये गांधीधाम का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये अपना फ्लैग है, जय हिंद। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमें गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर स्टीम क्रेन नज़र आई, इसका नंबर है 570। और स्टीम ट्रेन जो 1948 में ये बनी थी और इसकी पूरी डिटेल आप इसके ऊपर देख सकते हैं। इसके निर्माता कोवान शिल्डर एंड कंपनी थी उस समय। क्षमता इसकी सारी चीज़ें इस पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं, आप इसको पुश करके पढ़ सकते हैं। हमें काफ़ी एंटिक चीज़ लगी है तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ इसे। वाकई में एंटिक चीज़ है क्योंकि पुरानी चीज़ है, काफ़ी ओल्ड है, तो ऐसी चीज़ अब तो नहीं बन सकती। बाकी है बहुत प्यारी चीज़, कलर वर्क करके एकदम एंटिक रूप से तरीके से इसको रखा गया है यहाँ पे, तो आप देखिए। तो दोस्तों कोयले से चलने वाली स्टीम इंजन जो हमें नज़र आया, तो अभी मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो आपको ज़रा सा मैं साइड में से दिखा देता हूँ, देखिए। अच्छा, इसकी जो क्षमता है कोयला भरने की 250 किलोग्राम है। आप पीछे से देखिए, एक अलग ही मशीनरी नज़र आ रही है और उस समय के हिसाब से काफ़ी टेक्नोलॉजी इसकी आगे थी 1948 के हिसाब से, देखिए। और इस तरफ लिखा हुआ है आई लव गांधीधाम, तो काफ़ी ये भी एक अच्छा। इसमें देखिए ये इसकी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें कितनी जल भंडारण क्षमता थी, तो 500 लीटर इसमें जल भरने की क्षमता थी जिससे स्टीम बनती है, भाप बनती थी और कोयले से भाप बनाई जाती थी। तो आप देखिए कितनी सुंदर मशीन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। ऐसी मशीन और कहीं दूसरे स्टेशनों पे आपको शायद नज़र ना आए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही गांधीधाम का मार्केट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दादी निर्मला गंजवानी मार्केट। तो गांधीधाम का मेन एक गेट कह सकते हैं आप इसको मार्केट में जाने के लिए। और इस तरह आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, यहीं से गांधीधाम की शुरुआत होती है। तो चलिए मार्केट में आगे चलते हैं और आपको थोड़ा मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों मार्केट में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा नज़ारा है मार्केट का, आप देखिए। इसमें सिंगल लेन है एक तरफ जाने के लिए, केवल आने के लिए इसमें कोई रास्ता नहीं। तो ये भी मैंने इसी शहर में देखा है कि आपको केवल जाने का रास्ता मिलेगा, आने का इसी रोड से आपको आने का रास्ता नहीं मिलेगा। और एक तरफ पार्किंग है और एक तरफ जाने का रास्ता है, दाएं बाएं दोनों तरफ इस मार्केट में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, केवल जाने का रास्ता मिलेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत मार्केट है, काफ़ी डेवलप मार्केट है। यहाँ पे आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर। देखते रहिए क्या खूबसूरत जगह है। तो गुजरात के गांधीधाम का ऐसा कुछ नज़ारा है, देखिए आप सिटी का। चारों शोरूम है दोनों तरफ और अब आप सामने देख सकते हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में कुछ खाने पीने की
दुकानें हैं आइसक्रीम वगैरह। तो दोस्तों इसके बाद हम आ चुके हैं गांधी समाधि। गांधी समाधि इसलिए विशेष रूप से गांधीधाम में इसका स्थान है क्योंकि दिल्ली के बाद केवल गांधीधाम ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे गांधी समाधि है। बताया जाता है कि गांधी समाधि जो है दिल्ली में गांधी जी की कुछ अस्थियां वगैरह वो यहाँ पर लाकर और यहाँ पर समाधि का रूप दिया गया था। तो आप देख सकते हैं हम पहले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो शिव शंकर भोलेनाथ का ये मंदिर है सामने की तरफ। मंदिर फिलहाल बंद है तो हम गांधी समाधि की तरफ चलते हैं। चलिए तो दोस्तों हम आ चुके हैं गांधी समाधि, आप देख सकते हैं सामने। ये गांधी समाधि जो है गांधीधाम में आदिपुर में है और इसलिए महत्व है इनका इंडिया में क्योंकि दो ही जगह है ये, दिल्ली में और गांधीधाम में। तो गांधीधाम में हम आपको लेके आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की समाधि है। हे राम, यहाँ पे जो लिखा है बताता हूँ आपको, बापू ने इनके शब्दों में, जिनके आशीर्वाद से सिंध निर्वासितों के पुनर्वास हेतु नया नगर बनाने का सुझाव हुआ। हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना आ नहीं आता। आप अगर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फरवरी बापू की विभूति कंडला खाड़ी में प्रवाहित हुई, तत्पश्चात नए नगर का नाम गांधीधाम रखना निश्चित हुआ और इतने फरवरी को सन इतने इतने में बापू के अस्थि फूलों से इस समाधि की आदिपुर गांधीधाम में स्थापना हुई। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हिंदी में लिखा हुआ क्या है, कौन सा सन है। और इस तरफ है बापू की चरखा चलाते हुए एक बड़ी तस्वीर बनी हुई है और इस तरह कुछ गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, और महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में जो जीवन में जो हमें बातें बताई थी वो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साधन का हम ख्याल रखें तो साध्य हमारे पास ही है, यानी साधन और साध्य के बीच अंतर ही नहीं है ऐसे कहा जाए। इस तरफ लिखा हुआ है, पूर्व पश्चिम में भेद न करें, हर एक वस्तु कहीं की हो उसकी तुलना गुण दोष पर करें, तन्ही शुद्ध न्याय कर सकता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, भगवान ने मंदिर में है न मस्जिद में, न भीतर है न बाहर, कहीं है तो दीन जनों की भूख और प्यास में है भगवान। ये महात्मा गांधी के शब्दों में है। और इस तरफ बापू जी के तीन मंदिर दर्शाए गए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये आदिपुर में है, गांधीधाम के आदिपुर सिटी में। और अब मैं आपको आगे का नज़ारा इसके अलावा दिखाता हूँ। और इस तरफ शिव मंदिर है जिसके हमने दर्शन कर लिए, कैमरा उसमें अलाउ नहीं था इसलिए मैं आपको उसके दर्शन नहीं करा पाया। अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ सिटी का, चलिए चलते हैं। दोस्तों अब हम कहेंगे गुजरात की सबसे फेमस चीज़ ढाबेली, और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए खाते हैं ढाबेली। नहीं, तीन जात की इसमें। अच्छा, ये मीठा चटनी है, ये तीखी चटनी है जिसमें लहसुन और लाल मिर्ची की होती है। अच्छा, और ये हरी चटनी है। और ये मसाले में क्या क्या होता है? मसाले में 17 जात के गर्म मसाले। अच्छा अच्छा। और खटास के लिए थोड़ा इमली का पानी रहता है, मिठास के लिए शक्कर है, और बाकी ये मिर्ची मसाला तेल। तो जगह का एड्रेस बता दीजिए एक बार, कोई आना चाहे। शांति धाम सोसाइटी। अच्छा, सेक्टर 1 प्लॉट नंबर 1। ठीक है। वैसे फेमस ही है यहाँ पर इतने इलाकों में, जिनाम दाबेली कोई भी बोलेगा ना, बाबा जी का दाबेली। अच्छा सर, यही बता देगा। हमने ढाबेली खा ली है, ढाबेली भी मस्त थी, खाने में बड़ी अच्छी लगी, स्वाद थी। तो आप भी इस एड्रेस पर आकर ढाबेली खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनाता है, शानदार है। शांति धाम है गांधीधाम में, यहाँ पर ये जगह आपको मिलेगी, तो ज़रूर आके यहाँ पे खाएं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।